वंदे मातरम साथियों, चलिए क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने प्यारे साथियों, जिस प्रकार से पहले शब्द को लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से, तो प्यारे साथियों उसी प्रकार की कूट भाषा का प्रयोग करके मद्रास को हम किस प्रकार से नोट डाउन कर सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं। नीचे आपके पास चार ऑप्शन दिए गए, तो प्यारे साथियों बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड आपका ये प्रश्न रहेगा। कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियो हमने डाल रखी है, अलग से इसकी प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं, अभी इसको चेकआउट कीजिएगा। साथियों यहाँ पे किस प्रकार का कंसेप्ट लागू किया है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस शब्द में प्यारे साथियों जितने लेटर दिए गए, प्रत्येक लेटर का यहाँ पे एक कोड दिया गया है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए, सबसे पहले M, तो साथियों M का यहाँ पे कोड रहेगा 4 नंबर। इसके बाद सेकंड हमारे पास A, A का कोड रहेगा यहाँ पे 7 नंबर। इसके बाद D का यहाँ पे 2, इसके बाद A का यहाँ पे 7। इस प्रकार से साथियों यहाँ पे कंटिन्यू इनके कोड दिए गए, तो आपको कुछ भी नहीं करना साथियों। आपके पास यहाँ पे जो मद्रास है MADRAS, इसमें साथियों जितने भी लेटर दिए गए ये सभी लेटर प्यारे साथियों इस शब्द से उठाए गए, आपको केवल इन दोनों की यहाँ पे नकल करनी है, मैचिंग करनी है। जैसे सबसे पहला लेटर हमारे पास है साथियों M, तो M को आप चेकआउट कीजिए, M का यहाँ पे कोड कितने नंबर है 4, तो सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए 4 को। इसके बाद हमारे पास सेकंड लेटर साथियों A, तो A आप चेकआउट कीजिए, ऊपर जो शब्द हमारे पास सेकंड लेटर है इसका नंबर रहेगा 7, तो 4 के बाद हमारे पास यहाँ पे 7, केवल इसमें देख के हमें मैचिंग करना है। इसके बाद हमारे पास है साथियों D, तो D चेकआउट कीजिए, ऊपर तीसरा लेटर हमारे पास रहेगा 2, तो 7 के बाद हमारे पास यहाँ पे नंबर रहेगा 2। इसके बाद प्यारे साथियों R, ऊपर के शब्द में चेकआउट कीजिए, R हमारे पास रहेगा लास्ट का लेटर, और लास्ट पे नंबर क्या रहेगा साथियों इसका 0। इसके बाद प्यारे साथियों A, A अभी हमने चेकआउट किया है सेकंड लेटर, तो सेकंड कितना नंबर रहेगा इसमें 7, और लास्ट अक्षर हमारे पास है प्यारे साथियों S, तो S को चेकआउट कीजिए, ऊपर कहां पे है साथियों पीछे से चौथा नंबर, तो पीछे से चौथा नंबर कौन सा रहेगा साथियों इसमें 9 नंबर। तो प्यारे साथियों मद्रास के जो भी अक्षर हैं ये सभी अक्षर ऊपर से उठाए गए, आपको केवल इसकी नकल करके नीचे नोट डाउन करना है। अभी हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा 472079, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। करते हैं आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने प्यारे साथियों, यदि लेम को लिखा जाता है किसी कूट भाषा में इस प्रकार से, तो प्यारे साथियों उसी प्रकार की कूट भाषा में मेल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। नीचे आपके पास चार ऑप्शन दिए गए, तो प्यारे साथियों सबसे पहले वीडियो को रोककर आप स्वयं से प्रश्न लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है प्यारे साथियों, LAME को यहाँ पे लिखा जाता है ODPH, तो आपको मेल के नंबर को फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है साथियों, आपके पास मेल में जितने भी लेटर दिए गए ये सभी लेटर प्यारे साथियों यहाँ पे लेम में आप चेकआउट कीजिए, LAME, ये सभी के सभी लेटर साथियों मेल में दिए गए। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन चेकआउट किया है आपको केवल साथियों इसकी नकल करनी है और नीचे क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। प्यारे साथियों सबसे पहला लेटर आपके पास L, तो L का यहाँ पे कोड रहेगा O, इसके बाद A का कोड साथियों D, इसके बाद M का कोड P, इसके बाद E का कोड H, मतलब कंटिन्यू यहाँ पे अक्षर दिए गए, तो आपको यहाँ पे मेल का कोड चेकआउट करना है। तो प्यारे साथियों सबसे पहला लेटर हमारे पास M, तो M को आप चेकआउट कीजिए, कहाँ पे साथियों लेम के अंदर तीसरा लेटर, तो तीसरे लेटर का तीसरा कोड क्या रहेगा साथियों P, इसका मतलब प्रथम हमारे पास रहेगा P। इसके बाद सेकंड लेटर हमारे पास है A, तो प्रथम शब्द में चेकआउट कीजिए साथियों, A आपके पास है सेकंड लेटर, तो सेकंड का यहाँ पे रहेगा सेकंड नंबर, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास D। तीसरा हमारे पास है साथियों L, L हमारे पास रहेगा साथियों फर्स्ट लेटर, चेकआउट कीजिए, फर्स्ट का यहाँ पे रहेगा O, का मतलब D के बाद O, और लास्ट अक्षर प्यारे साथियों E, E इसमें लास्ट अक्षर, और लास्ट का हमारे पास रहेगा H, इसका मतलब प्यारे साथियों हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा PDOH, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। उम्मीद करते हैं साथियों आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है साथियों, मेल में जो भी लेटर दिए गए ये सभी लेटर प्यारे साथियों लेम में आपके पास है, LAME, तो इसमें साथियों पहले लेटर का पहला कोड, सेकंड का सेकंड, और लास्ट का लास्ट, केवल आपको इसकी मैचिंग करनी है और नीचे नंबर को यहाँ पे नोट डाउन करना है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन आपका यहाँ पे डी। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता।
प्यारे साथियों आपके पास यहाँ पे एक शब्द दिया गया थंडरबोल्ट, इसके आधार पे प्यारे साथियों नीचे ऑप्शन दिए गए चार आपके पास। प्यारे साथियों इस शब्द के आधार पे नीचे चार ऑप्शन में कौन सा शब्द आपके पास ऐसा रहेगा जो इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता, इसका सिंपल सा कंसेप्ट प्यारे साथियों ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास प्यारे साथियों थंडरबोल्ट में जितने भी अक्षर दिए गए इन अक्षरों के अलावा नीचे इन चार ऑप्शन में चेकआउट कीजिएगा प्यारे साथियों, किस ऑप्शन में इस शब्द के अक्षरों के अलावा अक्षर हैं। तो साथियों ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन इसमें सी, किस अक्षर की वजह से प्यारे साथियों, तो आप यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा तीसरा लेटर आपके पास है डब्लू। आप ऊपर इस शब्द में चेकआउट कीजिए प्यारे साथियों थंडरबोल्ट में कहीं पर भी डब्लू शामिल नहीं है, इसका मतलब इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन सी। बाकी आपके ए ऑप्शन बी ऑप्शन डी ऑप्शन में जो भी शब्द दिए गए ये सभी अक्षर प्यारे साथियों इस शब्द से उठाए गए, इसका मतलब अगर पूछा जाए कौन सा शब्द इस शब्द से बनाए जा सकते हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन डी ये तीनों बनाए जा सकते हैं। लेकिन साथियों अभी पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट है, किस अक्षर की वजह से, डब्लू अक्षर की वजह से। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर में कौन सी शब्द प्रश्न का सही प्रतिबिंब होगी। तो प्यारे साथियों आपके पास यहाँ पे एक शब्द दिया गया मिशन, इसके साथ में प्यारे साथियों यहाँ पे जो MN आप देख पा रहे यहाँ पे ये दर्पण है, तो प्यारे साथियों इस मिशन को अगर इस दर्पण में हम चेकआउट करेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है इन चार ऑप्शन में किसके जैसा बनेगा, इसमें जो आपके शब्द है वो किस प्रकार से चेंज होंगे। तो साथियों आप सभी को यहाँ पे क्लियर है, हमेशा आपका यहाँ पे दाया और बाया चेंज होगा, मतलब जो दाया हिस्सा है साथियों ये बाया हो जाएगा और जो बाया हिस्सा है ये दाया। अगर प्यारे साथियों नीचे आपके पास यहाँ पे दर्पण हो जिसे हम कहते हैं वाटर इमेज, तो प्यारे साथियों आपका यहाँ पे चेंज होगा अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। अभी प्यारे साथियों आपके पास वाटर इमेज नहीं है, आपके पास यहाँ पे दर्पण है, तो आप चेकआउट कीजिए, बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले हमारे पास N, तो प्यारे साथियों N को अगर हम चेंज करेंगे तो N हमारे पास कुछ इस प्रकार से रहेगा, N का जो दायां बायां हिस्सा ही चेंज हो जाएगा। इसके बाद प्यारे साथियों ओ, ओ आपका एज इट इज रहेगा सेम। इसके बाद प्यारे साथियों आई, आई भी आपका एज इट इज रहेगा अगर हम दर्पण में चेकआउट करेंगे। इसके बाद प्यारे साथियों ऐसा आपका यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद फिर से ऐसा आपका यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। इसके बाद प्यारे साथियों आई आपका एज इट इज रहेगा कुछ इस प्रकार से। और इसके बाद प्यारे साथियों एम, एम भी आपका प्यारे साथियों यहाँ पे एज इट इज रहेगा कुछ इस प्रकार से। तो प्यारे साथियों आपके पास जो मिशन शब्द है अगर इसको आप दर्पण में चेकआउट करेंगे तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से दिखाई देगा साथियों, इस प्रकार से। तो आप चेकआउट कीजिए इस प्रकार का जो शब्द ए बी सी डी में कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन साथियों इसमें ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है। मिशन का प्यारे साथियों सही प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, ऑप्शन ए में जो आपके पास शब्द है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आपका यहाँ तक का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, निम्न में कौन सा अधिवर्ष लीप ईयर है। नीचे आपके पास प्यारे साथियों चार ऑप्शन दिए गए 1600, 1900, 1800 उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों चेकआउट कीजिए इनमें से कौन सी आपके जो साल है वो लीप ईयर है। आपको हमने क्लियर कर रखा है किसी भी शताब्दी को चेकआउट करने के लिए अगर जो भी शताब्दी दी गई है आपके 400 से डिवाइड हो जाए पूर्ण रूप से, तो साथियों वो साल कौन सी होगी आपकी लीप ईयर। तो चेकआउट कीजिए ए बी सी में कौन सा नंबर आपका 400 से डिवाइड है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है, 400 से कंप्लीट रूप से डिवाइड है। ऑप्शन बी ऑप्शन सी साथियों 400 नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब इन चारों में से कौन सी आपका अधिवर्ष लीप ईयर है साथियों, ऑप्शन ए 1600। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसका फुल कंसेप्ट समझने के लिए साथियों कैलेंडर का हमने कंप्लीट टॉपिक डाल रखा है, अलग से इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां पे जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने प्यारे साथियों, जिस प्रकार का यहाँ पे रिलेशन कागज का वर्क से उसी प्रकार का रिलेशन प्यारे साथियों शीशा का आपको नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। नीचे आपके पास चार ऑप्शन दिए गए, खिड़की, रेत, पत्थर, दर्पण। तो प्यारे साथियों बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, जिस प्रकार का रिलेशन यहाँ पे कागज का वर्क से उसी प्रकार का रिलेशन आपको चेकआउट करना है शीशे के साथ। नीचे आपके पास चार ऑप्शन है प्यारे साथियों, इस प्रकार के काफी प्रश्न हम पीछे काफी वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुके हैं और इसका कंप्लीट टॉपिक भी हमने डाल रखा है, अलग से इसकी प्लेलिस्ट
में टॉपिक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, ये प्रश्न आप सभी के लिए, इसका जो भी राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। शीशा का संबंध साथियों खिड़की, रेत, पत्थर, दर्पण, इन चारों में किससे है। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करते हैं आज के सभी प्रश्नों और इनके कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुके हैं। तो साथियों ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।